जाके दुनिया के बता दी कि भैया जी के ताकत, भैया जी के अभिमान और भैया जी के शान शौकत अभी जिंदा बा, कहे कि उनका दूसर बेटा अभी जिंदा है। नमस्कार, मैं हूँ आकर्ष और मेरे साथ आज है सोनालिका मैम। मैम, आपकी जो मूवी आ रही है उसके बारे में कुछ बताइए। लॉन्च हो चुका है जो दर्शकों को काफ़ी पसंद आ रहा है। फिल्म रिलीज़ आई गेस मई में हो जाना चाहिए, या तो फर्स्ट वीक ऑफ मई, नहीं तो अप्रैल के एंड तक में। और अभी फ़िलहाल जो मैं फ़िल्म की शूट कर रही हूँ, उस फिल्म का नाम लैला मजनू है। तो यहाँ लखनऊ में आके आपको कैसा लग रहा है शूटिंग करके? नवाबों का शहर है, पहली बार लखनऊ से मेरी ताल्लुकात हुई है, लेकिन मुझको बहुत पसंद आ रहा है ये शहर। इससे पहले भी किसी दूसरे शहरों में किया अपने शूटिंग? हाँ, ऑब्वियसली दूसरे शहरों में तो शूटिंग हुई, बनारस में मेरी हुई, लेकिन मुझको आई एम सो सॉरी बट बनारस से ज़्यादा लखनऊ बहुत पसंद आ रहा है। तो इस फील्ड में आप कब से हैं? इस फील्ड में आप कह सकते हो 4 से 5 सालों से हूँ, लेकिन भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए मैं नई हूँ। और लास्ट ईयर अप्रैल से शुरुआत मैंने किया है, भोजपुरी इंडस्ट्री में कदम रखा, एंड टचवुड सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। इससे पहले भी आप कहीं दूसरे चीज़ में थी क्या, मतलब किसी? हाँ, इससे पहले फील्ड तो कैमरा मुझको बहुत पसंद है, बचपन में उतना नहीं पसंद था, डर लगता था कैमरा से, लेकिन द मोमेंट मैंने पास किया 10th, उसके बाद से पटना दूरदर्शन में काम करना मैंने शुरू किया, फिर ETV बिहार में मैंने काम किया, हैदराबाद में मैं वहाँ पर रही, न्यूज़ रिप्रेजेंटर थी मैं, और रिपोर्टिंग भी किया। उसके बाद फिर TV सीरियल में आ गई, लेकिन पापा चाहते थे कि कुछ ना कुछ यू नो TV सीरियल्स नहीं तो फिल्म्स वगैरह होता रहे, तो मेरे पापा की वजह से शायद मैं हूँ यहाँ पर। और मैम अपने बारे में बताइए। हमारे बारे में यही बता सकते हैं कि पटना से हूँ, सिंपल सी लड़की हूँ, कर्म पे विश्वास रखती हूँ और चाहती हूँ कि पूरी दुनिया जहाँ में शांति रहे। और कुछ टिप्स दीजिए, जैसे लोग इस फील्ड में आना चाहें तो क्या करना चाहिए उन्हें? कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास और डरे नहीं बिल्कुल गलत चीज़ों से। जो भी अगर गलत चीज़ें फेस कर रहे हैं तो तुरंत रिएक्ट कर लें, क्योंकि जितना सहते जाएंगे तो लोग उतना ही दबाते जाएंगे। और अगर आगे बढ़ना चाहते हैं तो बिचिंग करना बंद कर दीजिए, अपने आप पर मेहनत करना शुरू कीजिए, क्योंकि कर्म बोलता है और कुछ नहीं। भोजपुरी में मेरा अभी राजतिलक में 2 डायलॉग अभी काफ़ी चल रहे हैं, एक थोड़ा सा रोमांटिक है और दूसरा थोड़ा सा आप कह सकते हो कि हिम्मत दिलाने वाला है। तो पहला डायलॉग है जो इसमें आता राजतिलक में, कितना पेड़ बताएं कि किस करना भी एक कला है, और दूसरा थोड़ा यू नो मोटिवेटेड है कि जाके दुनिया के बता दी कि भैया जी के ताकत, भैया जी के अभिमान और भैया जी के शान व शौकत अभी जिंदा बा, कहे कि उनका दूसर बेटा अभी जिंदा है। थैंक यू मैम। थैंक्स।